हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक आज हूँ। मैं एक न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो गया। आज मैं आप लोगों को एग करी की रेसिपी तो बताऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कढ़ाई आ गई। अब हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। हमारा जीरा भून गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक ये प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देंगे कि प्याज हमारा जले ना। देख सकते हैं, अब हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे और इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक ये थोड़ा सा पक ना जाए। थोड़ा सा इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, फिर हम इसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। थोड़े से मसाले डिफरेंट बनाऊंगा। दही में सारे घर के बेसिक मसाले ऐड करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैंने दही में अपना मसाला रेडी कर दिया है। मैंने नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो मसाला इस तरह से दिख गया। अब हम इसको ऐड करेंगे अपने करी आप लोग मसाला। देख सकते हैं कि हमारा मसाला भी काफ़ी पक चुका है। अब हम इसमें अपना जो हमने ये मसाला ऐड किया ना दही में, ये डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से 10 मिनट पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी ग्रेवी का किस तरह से कलर आ गया है। दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। और आप लोग भी इसी तरह से अंडा करी की रेसिपी आ गया है। अब हम इसमें अंडा ऐड करने का, और अब हम इसको थोड़ा सा 10 एक मिनट और पकाएंगे। साथ में हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे टेस्ट के अनुसार, और थोड़ा स्वाद, और साथ में बहुत अच्छा दिखता है देखने में। और देन हम आपको 10 मिनट में मिलते हैं प्लेटिंग के साथ में। आप लोगों के सामने अंडा करी की प्लेटिंग हो चुकी है, और आप भी इसी तरह से अंडा करी अपने घर में बनाइए। और मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया, खुशबू और टेस्ट और गार्निशिंग के लिए बहुत बढ़िया है। आप भी जब अंडा करी घर में बनाएंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना आपने ऐसे अंडा करी, इस तरह से अंडा करी बनाई और कैसे लगी। तो अब हम मिलेंगे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।